नमस्कार। साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हालिया चमोली त्रासदी ने भारत सरकार की पहली जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर विचार करने की आवश्यकता पर दिया बल। गोवा शहरी स्थानीय निकाय सुधार को पूरा करने वाला बना छठा राज्य। सेना को मिला हंटर किलर अर्जुन मार्क 1A टैंक। राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाजा की सभी लेन पर फास्टैग हुआ अनिवार्य। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2040 तक भारत बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर। कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला सूचकांक का उपयोग कर कोयला खानों की शुरू की वाणिज्यिक नीलामी। जलवायु परिवर्तन पर लीक से हटकर सोचने की जरूरत, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। औद्योगिक उत्पादन दिसंबर में 1% बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन। आईफेक द्वारा स्थापना दिवस पर की गई 2 नई पहल, सक्षम और सीविड मिशन की शुरुआत। और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के 1% वाहन होने के बाद भी सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11% है। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में अलकनंदा बांध में आई बाढ़ का कारण संभवतः ग्लेशियर विस्फोट को माना गया। इस घटना ने हाल के दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण उच्च गति से पिघल रहे ग्लेशियर के मुद्दों को उजागर किया है। साथ ही भारत सरकार की पहली जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया है। पहले ही सूखे, बाढ़ और चक्रवाती तूफानों की मार झेल रहे भारत के लिए इस सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। जलवायु परिवर्तन पर भारत सरकार की अब तक की पहली रिपोर्ट, जिसे पिछले साल जारी किया गया था, सदी के अंत तक यानी कि 2100 ईस्वी तक भारत के औसत तापमान में 4.4 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका सीधा असर लू के थपेड़ों और चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ने के साथ समुद्र के जल स्तर के उफान के रूप में दिखाई देगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन नाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बड़े कदम नहीं उठाए गए तो हीट वेव्स में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी दिखाई देगी और समुद्र का जल स्तर 30 सेंटीमीटर तक उठ सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 30 सालों मतलब 1986 से 2015 कि इस अवधि में सबसे गर्म दिन और सबसे ठंडी रात के तापमान में वृद्धि क्रमशः 0.63 डिग्री और 0.4 डिग्री की हुई है। पिछले कुछ समय यानी कि 1976 से 2005 की अवधि, इस अवधि की तुलना में 21वीं सदी के अंत तक यह तापमान वृद्धि 4.7 डिग्री और 5.5 डिग्री तक होगी। रिपोर्ट यह भी कहती है कि गर्म दिनों और गर्म रातों की फ्रीक्वेंसी 55% से 70% तक बढ़ जाएगी। भारत के लिए यह अनुमान अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत उन देशों में है जहां जलवायु परिवर्तन की मार सबसे अधिक पड़ेगी। वर्षा पैटर्न में बदलाव पर रिपोर्ट कहती है कि 1951 से 2015 के बीच जून से सितंबर के बीच होने वाले मानसून में 6% की कमी हुई है, जिसका असर गंगा के मैदानी इलाकों और पश्चिमी घाट पर दिखा है। रिपोर्ट कहती है कि 1951 से 1980 के मुकाबले 1981 से 2011 के बीच सूखे की घटनाओं में 27% की वृद्धि दिखी। मध्य भारत के अतिवृष्टि की घटनाओं में 1950 के बाद से अब तक 75% बढ़ोतरी हुई है। अनुमान है कि सदी के अंत तक प्रतिदिन होने वाली अतिवृष्टि में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इस सदी के पहले 2 दशकों में बहुत शक्तिशाली चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ी है। यह रिपोर्ट कहती है कि मौसमी कारकों की वजह से उत्तरी हिंद महासागर में अब और अधिक शक्तिशाली चक्रवात तटों से टकराएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का सतह लगातार उठ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी हिंद महासागर में जहां 1874 से 2004 के बीच 1.06 से 1.75 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं पिछले 25 सालों में समुद्री जल स्तर में 3.3 मिलीमीटर प्रतिवर्ष वृद्धि देखी जा रही है। रिपोर्ट में सूखे की घटनाओं के बढ़ने का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटते मानसून के कारण सूखे की घटनाएं अधिक हो रही और इससे प्रभावित क्षेत्रफल लगातार बढ़ता है। 1951 से 2016 के बीच हर दशक में देश के अलग अलग हिस्सों में सूखे की औसतन 2 घटनाएं हो रही हैं,
और इसकी जद में आने वाला रकबा 1.3% की दर से बढ़ रहा है। मानसून के बदलते मिजाज को देखते हुए 21वीं सदी के अंत तक हालात और खराब होंगे। रिपोर्ट कहती है कि सदी के अंत तक जहां पूरी दुनिया में समुद्री जल स्तर में औसत वृद्धि 150 मिलीमीटर होगी, वहीं भारत में यह 300 मिलीमीटर हो जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में सरकार ने शहरों के हिसाब से कोई आकलन नहीं दिया है, लेकिन इस दर से समंदर उठता गया तो मुंबई, कोलकाता और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों के वजूद के लिए खतरा है, जिनकी तटरेखा पर घनी आबादी रहती है। महत्वपूर्ण है कि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है और इसकी 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर कम से कम 25 करोड़ लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है। जलवायु परिवर्तन के हिसाब से भारत बहुत संवेदनशील देश है। दुनिया भर के जानकार इसे लेकर चेतावनी देते रहे हैं। साल 2017 में हुए एक अध्ययन में भारत जलवायु परिवर्तन के हिसाब से दुनिया का 6ठा सबसे अधिक संकटग्रस्त देश था। साल 2018 में HSBC ने दुनिया की 67 अर्थव्यवस्थाओं पर जलवायु परिवर्तन के खतरे का आकलन किया, जिसमें कहा गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत को सबसे अधिक खतरा है। भारत की 50% से अधिक कृषि वर्षा पर निर्भर है और यहां हिमालयी क्षेत्र में हजारों छोटे बड़े ग्लेशियर हैं और पूरे देश में कई एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक घटनाओं से भारत को जान माल का बड़ा नुकसान होगा। विश्व बैंक भी कह चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत को कई लाख करोड़ डॉलर की क्षति हो सकती है। हालात सुधारने के लिए उन मानव जनित गतिविधियों पर नियंत्रण करना होगा जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। रिपोर्ट में भी इसे लेकर चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि क्लाइमेट के बेहतर पूर्वानुमान की जरूरत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 21वीं सदी में मानव जनित क्लाइमेट चेंज के बढ़ते रहने के आसार हैं। भविष्य में सही क्लाइमेट प्रोजेक्शन के लिए, खासतौर से क्षेत्रीय पूर्वानुमान के लिए, एक रणनीतिक कार्यशैली विकसित करने की जरूरत है ताकि अर्थ सिस्टम की गतिविधियों को बेहतर समझा जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है अर्जुन मार्क 1A टैंक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जुन मार्क 1A टैंक सेना को सौंप दिया। अत्याधुनिक क्षमता से लैस यह टैंक पूर्णतः स्वदेशी है, यानी इसकी डिजाइनिंग से लेकर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक का काम देश में हुआ है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की युद्ध वाहन अनुसंधान एवं विकास इकाई ने अर्जुन मार्क 1A को बनाया है। आड़ लेकर हमला कर दुश्मनों को भी तबाह करने की क्षमता के कारण इसे हंटर किलर टैंक भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इसकी खासियतों के बारे में। अर्जुन टैंक में 71 बड़े अपडेट करके मार्क 1A वर्जन तैयार किया गया है। इस कारण अर्जुन मार्क 1A मारक और बचाव क्षमता के लिहाज से विश्व स्तरीय टैंक है। यह टैंक साधारण अर्जुन टैंक से काफी ज्यादा ताकतवर है और यह तेजी से लक्ष्य का पीछा भी कर सकता है। इस टैंक में मुख्य हथियार और सहायक हथियार दोनों की भूमिका निभाने की क्षमता है। टैंक में उच्च कोटि का इंजन लगा हुआ है। इसमें काफी दमदार ट्रांसमिशन सिस्टम है, खासकर लचीला हाइपर न्यूमेटिक सस्पेंशन इसे ज्यादा घातक बना देता है। इसमें उच्च क्वालिटी का रनिंग गियर लगा है जो धमाके के वक्त भारी झटके को सीमित कर देता है। टैंक में रात हो या दिन, हर वक्त हर मौसम में अपने लक्ष्य पर अचूक और तेज गति से हमला करने की क्षमता है। यह हंटर किलर है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढ कर वार कर सकता है। युद्ध के दौरान कम से कम समय में दुश्मनों के हमले का जवाब देने की क्षमता, दुश्मन पर पहले वार करने और दौड़ते भागते लक्ष्यों पर भी निशाना साधने की इसकी क्षमता है। युद्ध में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक या दुश्मन के सैन्य साजो सामान के विनाश की भी क्षमता रखता है। इस टैंक पर ग्रेनेड और मिसाइलों से हमले का कोई असर नहीं होने वाला। अर्जुन मार्क 1A टैंक में स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं जो रासायनिक हमले से इसकी रक्षा कर सकता है। आपको बता दें कि अर्जुन श्रेणी के टैंकों का इस्तेमाल भारतीय सेना पहले से ही कर रही है। अर्जुन मार्क 1A इसका अद्यतन रूप है जो पहले के अर्जुन श्रेणी के टैंकों से ज्यादा विकसित एवं दुश्मनों के लिए ज्यादा घातक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर है शहरी स्थानीय निकाय सुधार से संबंधित। हाल ही में गोवा शहरी स्थानीय निकाय सुधार को पूरा करने वाला 6ठा राज्य बन गया है। इसके साथ ही गोवा उन 5 राज्यों में शामिल हो चुका है जहां शहरी स्थानीय निकाय सुधार को लागू किया गया है। ये 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना।
शहरी स्थानीय निकाय सुधार का उद्देश्य होता है शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना, लोगों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और बेहतर नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यय विभाग द्वारा जिन सुधारों को निर्धारित किया गया है वे हैं, शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर की आधार दरों को वर्तमान सर्कल रेट के समान करना, स्थानीय स्वशासन द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति और जल निकासी सहित सुवेज के प्रावधान हेतु लिए जाने वाले उपयोगिता शुल्कों की आधार दरों को तय करने में मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखना, साथ ही राज्य संपत्ति कर के आधार दरों के निर्धारण में भी मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखना, साथ ही शहरी स्थानीय निकाय सुधारों के लिए 4 नागरिक केंद्रित क्षेत्र का भी निर्धारण किया गया है। ये 4 क्षेत्र हैं, शहरी स्थानीय सुविधाओं में सुधार करना, शहर में कारोबार में आसानी के लिए आवश्यक सुधार करना, शहरी स्थानीय निकाय के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति को संभव बनाना और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था को लागू करना। आपको बता दें कि गोवा द्वारा इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद अब गोवा खुले बाजार से उधार प्राप्ति के द्वारा 223 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटा सकता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाजा की सभी लेन को शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन के रूप में बदलने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार कोई भी वाहन जिसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है अथवा जिस वाहन में वैध कार्यात्मक फास्टैग नहीं है उसे शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसा करने का जो कारण बताया है वे हैं, डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देना, लेन पर प्रतीक्षा समय को कम करना, ईंधन की खपत को कम करना और एक आसान और निर्बाध मार्ग प्रदान करना। ज्ञात हो कि मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ मोटर वाहनों के एम एंड एन श्रेणी में फास्टैग को फिट करने का आदेश दिया था। श्रेणी एम का अर्थ है यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम 4 पहियों के साथ एक मोटर वाहन और श्रेणी एन का अर्थ है एक मोटर वाहन जिसमें सामान ले जाने के लिए कम से कम 4 पहिए हैं और जो सामान के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी। फास्टैग टोल भुगतान करने के लिए बनाया गया एक उपकरण है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक का उपयोग करता है और इसमें टोल पर प्रीपेड बैलेंस उपयोग करके सीधे भुगतान किया जा सकता है। यह उपकरण कार के आगे वाले शीशे से लगा हुआ होता है जिससे वाहन को टोल पर रुकना आवश्यक नहीं रह जाता है। इस टैग की वैधता 5 वर्ष तक के लिए होती है और इसे समय समय पर रिचार्ज करना होता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। खबर संबंधित है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। इंटरनेशनल एनर्जी के मुताबिक वर्ष 2013 तक भारत यूरोपीय संघ को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। IEA या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुमान के मुताबिक भारत में आने वाले 2 दशकों में ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के नाम से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक एजेंसी ने कहा है कि भारत की प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन लगभग दोगुनी होकर वर्ष 2040 तक 8.6 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। मौजूदा समय में भारत विश्व में 4था सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है जबकि 3रे नंबर पर यूरोपीय संघ आता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 40 के दौरान भारत में ऊर्जा की मांग बढ़कर विश्व की करीब 1/4 हो जाएगी जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक होगी। इसमें अक्षय ऊर्जा भी काफी अहम भूमिका निभाएगी। वर्ष 2040 तक भारत का पावर सिस्टम यूरोपीय संघ को पीछे छोड़कर काफी आगे निकल जाएगा। बिजली के उत्पादन में भारत यूरोपीय संघ को कहीं पीछे छोड़ देगा। इसमें करीब 30% की हिस्सेदारी अक्षय ऊर्जा की होगी। आपको बता दें कि अक्षय ऊर्जा से मतलब ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों से है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार
आने वाले वर्षों में भारत प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए एक बड़ा बाजार बनकर सामने आएगा। वर्ष 2040 तक इसकी मांग में 3 गुना की वृद्धि की संभावना जताई गई है। भारत के ऊर्जा में इतना आगे आने की एक बड़ी वजह को भारत में होने वाले औद्योगिकरण को भी माना गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इसका दौर न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि तेजी पकड़ेगा। बीते 3 दशकों में भारत ने वैश्विक वृद्धि दर में 10% की भागीदारी निभाई है। वर्ष 2040 तक ये बढ़कर 20% तक हो जाएगी। स्टील उत्पादन में भी भारत के आगे बढ़ने की उम्मीद इस रिपोर्ट में जताई गई है। अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन फ्रेमवर्क के अनुसार वर्ष 1974 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कार्य मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर केंद्रित रहता है। ये 4 क्षेत्र हैं: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर संबंधित है एक नए सूचकांक से जिसका नाम है राष्ट्रीय कोयला सूचकांक। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला सूचकांक का उपयोग करके राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी शुरू की है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक को जून 2020 में जारी किया गया था। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है जो किसी विशेष माह में निर्धारित आधार वर्ष के सापेक्ष कोयले के मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। इस सूचकांक का आधार वर्ष 2017-18 है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक 5 उप सूचकांकों के समूह से बना है, जिसमें 3 उप सूचकांक नॉन कोकिंग कोल के लिए और 2 उप सूचकांक कोकिंग कोल के लिए है। कोयला सूचकांक को तैयार करने के लिए कोयले की सभी बिक्री चैनलों की कीमतों को ध्यान में रखा गया है। इसमें कोयले का आयात भी शामिल है। इस संक्षिप्त खबर के बाद चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 से। प्रधानमंत्री द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम था अपने साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी की ओर से आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन था, जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिनों तक चर्चा हुई। आपको बता दें कि वर्ष 1974 में स्थापित टेरी एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। यह ऊर्जा, पर्यावरण तथा सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस गति को बनाए रखने के लिए टेरी को बधाई दी और कहा कि ऐसे वैश्विक मंच हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 चीजें परिभाषित करेंगी कि आने वाले वक्त में मानवता की विकास यात्रा कैसे सामने आएगी। पहला अपने लोगों का स्वास्थ्य है और दूसरा हमारी पृथ्वी का स्वास्थ्य है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ पृथ्वी के स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम जिस चुनौती के स्तर का सामना करते हैं वे व्यापक रूप से चर्चित हैं, लेकिन हम पारंपरिक दृष्टिकोण से अपने सामने आने वाली समस्याएं नहीं सुलझा सकते हैं। आधुनिक समय की जरूरत है कि हम तय खांचे से हटकर सोचें, अपने युवाओं में निवेश करें और सतत विकास की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए जलवायु न्याय पर जोर दिया। जलवायु न्याय ट्रस्टशिप के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसमें विकास सबसे गरीब व्यक्ति के साथ सहानुभूति के साथ आता है। जलवायु न्याय का अर्थ है विकासशील देशों को विकसित होने के लिए पर्याप्त जगह देना। जब हम में से हर कोई अपने व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्यों को समझे, जलवायु न्याय हासिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के इरादे के पीछे ठोस पहल का समर्थन है। उत्साही सार्वजनिक प्रयासों से प्रेरित भारत पेरिस संबंधी अपनी प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को पार करने के रास्ते पर है। भारत 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 33% से 35% तक घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत भूमि क्षरण तटस्थता संबंधी अपनी प्रतिबद्धता को लेकर लगातार प्रगति कर रहा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा भी रफ्तार पकड़ रही है। हम 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने के रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायसंगत पहुंच के बगैर सतत विकास अधूरा है। इस दिशा में भारत ने अच्छी प्रगति की है।
मार्च 2019 में भारत ने लगभग 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया था। यह सतत तकनीक और नवाचार मॉडलों के जरिए हुआ। उन्होंने रेखांकित किया कि उजाला कार्यक्रम के माध्यम से 36.7 करोड़ LED बल्ब लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए। इससे सालाना 80 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटाया जा सकता है। जल जीवन मिशन ने लगभग 18 महीनों में ही 3.40 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल कनेक्शन से जोड़ा है। पीएम उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबी रेखा से नीचे के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों की खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच बनी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम भारत के एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया कि अक्सर निरंतरता पर होने वाली बातचीत हरित ऊर्जा पर केंद्रित हो जाती है, लेकिन हरित ऊर्जा तो सिर्फ साधन है। हमें जिस लक्ष्य की तलाश है वह हरी भरी धरती है। प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों का ध्यान दो पहलुओं पर खींचा, एकजुटता और नवाचार। उन्होंने कहा कि सतत विकास केवल सामूहिक प्रयासों से ही हासिल हो पाएगा। जब सभी व्यक्ति राष्ट्र का भला सोचें, जब सभी देश वैश्विक कल्याण के बारे में सोचें, तभी सतत विकास एक वास्तविकता बन पाएगा। भारत ने इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से एक प्रयास किया है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने मस्तिष्क और राष्ट्र को दुनिया के सर्वोत्तम कार्य व्यवहार के लिए खुला रखने का अनुरोध किया। नवाचार के बारे में उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूल तकनीक और अन्य मुद्दों पर कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। एक नीति निर्माताओं के रूप में हमें उन विभिन्न प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। हमारे युवाओं को ऊर्जा निश्चित रूप से उत्कृष्ट परिणामों की तरफ ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए मानव संसाधन के विकास और तकनीक पर ध्यान देने की जरूरत है। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साझेदार के रूप में हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत आगे सतत विकास के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2020 के दिसंबर माह हेतु औद्योगिक उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को जारी किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2020 में औद्योगिक उत्पादन में 1% की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन बताया गया है। दिसंबर 2020 के IIP के जारी आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में दिसंबर 2020 में 1.6% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र में दिसंबर माह में 4.8% की गिरावट आई है, जबकि बिजली उत्पादन में दिसंबर 2020 में 5.1% की वृद्धि हुई है। दिसंबर 2020 के माह में 2011-12 के आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का त्वरित अनुमान 135.9 रहा है। हमें यह पता है कि कोविड-19 महामारी का आईआई पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव रहा। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए मार्च 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 से ही औद्योगिक उत्पादन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। मार्च 2020 में IIP में 18.7% की गिरावट आई थी। इसके बाद अगस्त 2020 तक औद्योगिक उत्पादन में लगातार गिरावट आई थी, अर्थात अगस्त 2020 तक यह नकारात्मक क्षेत्र में बना रहा था। परंतु जैसे जैसे लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई, वैसे वैसे औद्योगिक उत्पादन के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आपको बता दें कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रिफाइनरी उत्पाद, खनिज खनन, बिजली विनिर्माण, सीमेंट सहित अन्य प्रमुख औद्योगिक उत्पाद में होने वाली वृद्धि का विवरण प्रस्तुत करता है। इसके आकलन के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। IIP में 8 कोर उद्योग हैं। इन 8 कोर उद्योगों का भारांश घटते क्रम में इस प्रकार से है: रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। कोर सेक्टर का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में लगभग 40.27% योगदान होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद यानी कि टाइफेक ने 10 फरवरी को नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का थीम था
आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और अर्थव्यवस्था। इस अवसर पर टाइफेक ने दो नई पहल, पहला सक्षम और दूसरा सीविड मिशन को लॉन्च किया। आइए इन दोनों पहलों पर डालते हैं एक नजर। पहले सक्षम पोर्टल पर, COVID-19 महामारी के चलते लोगों की नौकरियां गई, जिस वजह से श्रमिकों को मजबूरन अपने मूल घरों पर वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब टाइफेड ने सक्षम नाम से एक ऐसा जॉब पोर्टल विकसित किया है जो देश भर में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की जरूरतों और श्रमिकों के कौशल को आपस में जोड़कर एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे श्रमिक सीधे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से जुड़ सकेंगे, जिससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस पोर्टल की मदद से श्रमिकों को नौकरी मिलने की प्रक्रिया के बीच आने वाले श्रमिक ठेकेदार खत्म हो जाएंगे और श्रमिकों के कौशल दक्षता स्तर की पहचान और उनके लिए स्किल कार्ड्स विकसित करने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल श्रमिकों को अपने आसपास मौजूद माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में नौकरी ढूंढने के दौरान आने वाली परेशानियों को कम करेगा। पोर्टल में तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र आदि की माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस इकाइयों को सूचीबद्ध किया गया है। यह सूची बढ़ रही है। आइए अब देखते हैं कि क्या है सीविड मिशन। सीविड मिशन समुद्री शैवाल उत्पादन से संबंधित है। समुद्री शैवाल का वैश्विक उत्पादन 32 मिलियन टन है, जिसका मूल्य लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर है। कुल वैश्विक उत्पादन का 57% हिस्सा चीन, 28% इंडोनेशिया, इसके बाद दक्षिण कोरिया और 0.01 से 0.02% भारत द्वारा उत्पादित किया जाता है। शैवाल की खेती के कई लाभ होने के बावजूद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समान भारत में अभी भी इसकी व्यावसायिक खेती उपयुक्त पैमाने पर नहीं की जाती। एक अनुमान के अनुसार यदि देश में 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र या भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के 5% में इसकी खेती की जाए तो 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। नया समुद्री शैवाल उद्योग स्थापित हो सकता है जो राष्ट्रीय GDP में बड़ा योगदान कर सकता है, समुद्री उत्पादों में वृद्धि कर सकता है, जल क्षेत्रों में शैवालों की अनावश्यक भरमार को कम कर सकता है, लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है, समुद्री पर्यावरण को बेहतर बना सकता है और 6.6 अरब टन जैव ईंधन का उत्पादन संभव बना सकता है। अभियान में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक रूप से फायदेमंद समुद्री शैवाल की खेती के लिए 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मॉडल फार्म बनाया जाना, गुजरात में ग्रीसी लारिया ड्यूरा, चिल्का झील में ग्रेसिली रिया वरुकोसा और पूरे देश के तटवर्ती क्षेत्र में उल्वा लैक्टुका या उल्वा फासीटाटा या उल्वा इंडिया और कापा फाइकस की खेती को प्रोत्साहित करना। अगर बात करें टाइफेक की तो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल यानी कि टाइफेक भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त प्रौद्योगिकी थिंक टैंक है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1986 में की थी। यह परिषद भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कार्य करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर संबंधित है सड़क दुर्घटना पर विश्व बैंक की रिपोर्ट से। विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट को तैयार करने में NGO सेव लाइफ फाउंडेशन का सहयोग भी लिया गया। यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 13 फरवरी 2021 को जारी की गई। इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट भारत में गरीबी, सड़क दुर्घटनाओं और समानता के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया के 1% वाहन होने के बाद भी सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11% है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 75% से अधिक गरीब परिवारों की आमदनी में कमी का कारण सड़क दुर्घटना है। इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं के कारण गरीब परिवार को 7 महीने से भी अधिक समय तक का आय का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं यदि दुर्घटना किसी अमीर व्यक्ति के साथ हो, उनके परिवार के लिए आमदनी में नुकसान 1 महीने की आय से भी कम होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क दुर्घटना से होने वाली 44% मौतें गरीब ग्रामीण परिवारों से होती हैं, जबकि 11.6% मौतें गरीब शहरी परिवारों से होती हैं। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार कम आय वाले देशों में सड़क दुर्घटनाओं की दर
अधिक आय वाले देशों की तुलना में 3 गुना अधिक है। भारत से प्राप्त आंकड़े इस निष्कर्ष को और पुष्ट करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने में सफल होते हैं तो हम प्रति व्यक्ति लगभग 90 लाख रुपए बचा सकते हैं। मोटे तौर पर रिपोर्ट कहती है कि सड़क दुर्घटनाएं समाज और राष्ट्र और राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने से आय में वृद्धि हो सकती है। किफायती सड़क सुरक्षा कार्यों से लोक कल्याण संबंधी बड़े लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों और चोटों के कारण निम्न और मध्यम वर्ग के देशों में काम करने वाले वयस्कों की उम्र कम हो जाती है। रिपोर्ट को जारी करते समय केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि भारत जैसे देशों में सड़क दुर्घटनाएं एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है और यह हमारे लिए चुनौती है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की मौतों को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन्हीं उपायों के तहत सड़क सुरक्षा में सुधार का एक मॉडल 4E भी है। 4E का मतलब है इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट एंड इमरजेंसी केयर सर्विसेज। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि संस्थागत सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए एक सुव्यवस्थित, मजबूत और सुलभ कानूनी, बीमा और स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अति संवेदनशील सड़क का उपयोग करने वालों की सुरक्षा, कैशलेस उपचार, नागरिक और स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, बीमा के प्रवेश और क्षतिपूर्ति तंत्र, पोस्ट क्रैश प्रतिक्रिया इकोसिस्टम और हितधारकों के एकीकरण की रिपोर्ट की सिफारिशों से मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 और मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट तब आई है जब देश सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए पहले से विस्तारित सड़क सुरक्षा माह मना रहा है। ये थी इस सप्ताह की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा यह कार्य अच्छा लग रहा है, प्रशंसनीय लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें। इसके साथ ही इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।